لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أهله وسلام لأهلها. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم وفر حظي فيه من بركاته. ماه مبارك رمضان کی 19वीं तारीख की दुआ के साथ इमाम मासूम अलैहिस्सलाम के कलमात आपके खिदमत में लेके हाजिर हैं। हज़रात गिरामी सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मासूम अलैहिस्सलाम ने 19वें रमज़ान की दुआ के सिलसिले में जो बात सबसे अहम बयान फरमाई है, उस पहले फ़क्रे में के जिसको आपके सामने अर्ज़ किया है, वो बग़ौर समात फरमाइए। ये पहला फ़क्रा इंसानी फितरत की पूरी तरीके से जो है वो अक्कासी करता है, जाहिर करता है कि इंसानी फितरत क्या है। हर इंसान यह चाहता है कि उसके हिस्से में ज़्यादा चीज़ें आएं। जब भी कहीं पर हिस्सेदारी की बात आए तो हर कोई ये चाहता है कि उसे ज़्यादा मिले, ठीक है। जब भी कहीं कोई चीज़ बट रही होती है, तकसीम हो रही होती है, तो हर इंसान ये चाहता है कि उसे ज़्यादा मिले। मासूम अलैहिस्सलाम ने इसी फितरत इंसानी की तरफ तवज्जो दिलाते हुए ये फ़िक्रा इरशाद फरमाया कि अल्लाहुम्मा वफ़िर फ़ीहि हज़्ज़ी मिन कुल्ल बरकातिह। माबूद, इस रोज़ माह मुबारक रमज़ान की बरकात जो तेरी तरफ से तकसीम हो रही हैं, वफ़िर हज़्ज़ी, माबूद हमारे हिस्से को ज़्यादा कर दे। तेरी तरफ से जो बरकतें नाजिल हो रही हैं परवरदिगार, ये बरकतें जो तेरे बंदों पर आ रही हैं, तेरे बंदों तक पहुंच रही हैं, इन बरकतों में हमारा हिस्सा ज़्यादा कर दे। जाहिर सी बात है, हर इंसान जो है वो ज़्यादा चाहता है, तो फिर अगर दुनिया में ज़्यादा चाहता है तो आखिरत में क्यों नहीं। मसलन अगर बरकत दुनिया में आदमी ज़्यादा चाहता है तो बरकत आखिरत में क्यों नहीं, ठीक है। लदा इसीलिए मासूम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बरकात आखिरत में से, बरकात माह मुबारक रमज़ान में से मेरे माबूद जो है वो मेरे हिस्से को ज़्यादा करार दें। यानी इस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से दुनिया के हिस्सों में तुम ज़्यादा हिस्सेदारी चाहते हो, वैसे आखिरत में बरकात के सिलसिले में क्या है, ज़्यादा बरकात का मुतालबा करो और दुआ करो, ठीक है। यह बरकात जो है वो कैसे नसीब होती है बंदे को, यह बरकात किस तरह से मिलेंगी बंदे को, क्या यूं ही हाथ पे हाथ धर के अल्लाह की बारगाह से बरकात इंसान के मुकद्दर में आ जाती है या ज़्यादा मिल जाएंगी? हरगिज़ नहीं, बल्कि इनके लिए भी आमाल अंजाम देने पड़ते हैं, इनके लिए भी इकदाम करना पड़ता है, इनके लिए भी जो है वो क्या है, इबादतें अंजाम देनी पड़ती हैं, इनके लिए भी क्या है, हसनात की तरफ आदमी को जाना पड़ता है। जब भी इंसान ये चाहे कि उसे अल्लाह की तरफ से बरकात हासिल हों, तो फिर हाथ पे हाथ धर करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि बरकात आखरत और बरकात बिलखसूस बरकात माह मुबारक रमज़ान हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इनमें कई चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए से बरकात माह मुबारक रमज़ान या बरकात आखरत इंसान के नसीब में आ सकती हैं और ज़्यादा आ सकती हैं। उनमें पहली चीज़ है जिसकी तरफ हम पहले भी मुतवज्जह कर चुके हैं दुआओं के ज़ैल में, वो क्या है, तौबा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना। तौबे के बेशुमार फायदे, अलबत्ता वो तौबा नहीं है जो मसलन जो है वो गाल पे हाथ मार लीजिए, मसलन जो है वो बिल्ली वाली तौबा जिसे कहा जाता है कि दूध पीने के बाद जो है वो जबान दोनों तरफ वो कर लेती पर, ताकि जो है वो क्या है, ये मालूम हो जाएगा अब नहीं पीऊंगा, फिर जब जो है वो दिखाई जाता है कहीं किसी बर्तन में दूध तो फिर पी लेती है। तो जो है वो बिल्ली वाली तौबा, यानी खाली जो है वो गाल पे हाथ मार लेने से या जबान फिर लेने से जो है वो इस तरह से नहीं, बल्कि जो है वो तौबा की जो तौबे नसूह है, इसकी तरफ कुरान ने इशारा किया है ना, कुरान करीम में भी उसके लिए आयत मौजूद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाही तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अनकुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, है ना। कौन सी तौबा? वो तौबा की जो तौबा नसूह है, वो तौबा की जो वाकई तौबा है, वो तौबा की जो हकीकी तौबा है। तौबा सिर्फ जो क्या है, गाल पे हाथ मार लेने का नाम नहीं है। तौबा सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहने का नाम नहीं है, अस्तग़फ़ार पढ़ लेने का नाम नहीं, बल्कि क्या है, तौबा वो है कि जो तौबा नसूह हो, के वाकई तौबा हो, कि इसके बाद फिर कभी गुनाह न करेंगे। इस सिलसिले में पहले गुफ्तगू हो चुकी है कि हकीकी तौबे के शरायत क्या है, इस पर हम बात पहले कर चुके हैं। खूब, जो लोग हकीकी तौबा करते हैं, तौबा नसूह करते हैं, इस सिलसिले में तौबा नसूह को नसूह क्यों कहा जाता है, इस सिलसिले में बहुत सारी बातें मौजूद है, ज़ाहिरन इसका महल नहीं है।
तौबे नसूह का क्या ताल्लुक है बरकात के हसूल से या ज्यादा बरकात मिलने से? बेशक है, अल्लाह ने जो तौबे नसूह के सिलसिले में साहिबान ईमान से मुतालबा किया है कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और अपने गुनाहों की जो है वो दरगुजर करना चाहो करो, और उसके बाद जो है क्या है माफी मांगो गुनाहों की, उसके बाद जो है तुमको क्या मिलेगा, तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वो जन्नत के जिसके नीचे से नहरें बहती हैं। नहरें कौन सी? शहद और शीर की, यानी दूध और शहद की नहरें बहती हैं। तो ये क्या है? बरकात हैं। तो ये बरकात किससे मुतालिक हैं? उन लोगों से जो ताइब हैं, जो अल्लाह के बारगाह में तौबे नसूह करते हैं, उन्हें बरकात आखरत क्या है? नसीब भी होती है। बरकात आखरत में क्या है? जन्नत में दाखिला है। और जहाँ जन्नत में ताइब और तौबा करने वाला बैठा होगा उसके पाँव के नीचे से क्या है? नहरें बह रही होंगी दूध की और शहद की। तो ये क्या है? बरकात है। इसके अलावा दीगर जो है वो क्या है? नजमात बहिर से भी आदमी मुस्तफीज होता है। तो किसके नतीजे में? तौबे नसूह के नतीजे में। हो ये बात साबित हो गई, तौबे नसूह का ताल्लुक किससे है? बरकात से। या बरकात का ताल्लुक किससे है? तौबे नसूह से है। वो लोग के जो तौबे नसूह अंजाम देते हैं, ताइब वाकई हैं, अल्लाह की बारगाह में हकीकी तौबा करने वाले हैं, अल्लाह उन्हें क्या है? बरकात आखरत से हिस्सा जरूर देता है। ठीक है, दूसरी आयत, इस तरह की बहुत सारी आयतें हैं जो है वो तवाबीन के लिए, तौबा करने वालों के लिए। ठीक है, मुनाजात भी सिलसिला मौजूद है, मुनाजात तवाबीन, बहुत सारी बातें मौजूद, लेकिन सब बातों को नहीं अर्ज किया। कुरान करीम में मुतअद्दिद आयात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्नल्लाहा युहिब्बुल तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। परवरदिगार जो है वो ताहिर और पाकीज़ा अफराद और तौबा करने वाले अफराद को क्या है? दोस्त रखता है, उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह की मोहब्बत ये क्या है? कमाल हुसूल ज़िंदगी है। इंसानी ज़िंदगी के हुसूल का ये कमाल है कि इंसान जो क्या है? महबूब करदगार हो जाए, अल्लाह का मुहिब हो जाए, अल्लाह का पसंदीदा हो जाए, अल्लाह उससे इश्क और मोहब्बत करने लगे। अल्लाह उन्हीं से मोहब्बत करता है कि जो ताहिर है, ताहिर वो है कि जो ताइब हैं, यानी जो तौबा करने वाले हैं। और क्या असबाब हैं कि जिनके ज़रिए से बरकात आखरत या बरकात माह मुबारक रमज़ान जो है वो क्या है हमें मिल सकती हैं? यतीम नवाजी, इस सिलसिले में भी गुफ्तगू हो चुकी है। यतीम नवाजी, आज शब ज़रबत मौला अमीर उलमोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब सलावतुल्लाहि वसलामो अलैहि, हम इस अजीम मुसीबत के मौके पर आप तमाम हजरात की खिदमत में तसलियत और ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। यतीम नवाजी भी क्या है? बेहतरीन तरीक़ा है, बेहतरीन ज़रिया है कि जिससे इंसान की किस्मत में, उसके हिस्से में बरकात आखरत ज़रूर आती है, बरकात माह मुबारक रमज़ान भी। यतीम नवाजी, मौला अमीर उलमोमिनीन से बड़ा यतीम कौन है? यतीम नवाजी करने वाला कौन है? यतीमों की सरपरस्ती करने वाला अली से ज्यादा बेहतर कौन है? जंग में मारे हुए लोग जिनके पीछे उनके औलादे थी, जिनके पीछे उनके बच्चे थे, जो अपने बाप के लिए तड़पते थे, मौला अमीरुल मोमिनीन सीने से लगा के कहते थे कि तुम अपने आप को यतीम न समझो, अली तुम्हारे बाप की जगह को पूरी करेगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, तुम्हारी हर जो आरजू को पूरा करेगा, तुम्हारी हर चीज़ ला के देगा, तुम्हें नाज करेगा, तुम्हें जो है वो क्या है परवरिश करेगा, तुम्हें जो है वो क्या है खिलौने ला के देंगे, तुम्हें जो है वो मसलन बहलाएंगे, तुम्हें जो है वो आजुका फराहम करेंगे, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करेंगे, तुम्हारे ऊपर जो है वो शफकत करेंगे। ये तारीखी हकीकत भी है कि जब तक अमीरुल मोमिनीन जिंदा रहे किसी यतीम को उसकी बाप की कमी का एहसास ना हुआ। किसी यतीम को उसको अपने बाप की कमी का एहसास ना हुआ कि मेरा बाप जंग में मारा गया है, नहीं है, क्योंकि अली मौजूद थे, अली उसकी जो है वो क्या है परवरिश कर रहे थे, उसकी यतीम नवाजी कर रहे थे। ठीक है, एक और चीज भी है कि जिसके जरिए से इंसान की किस्मत में क्या है, उसके हिस्से में हसनात और खैरात जो है वो ज़्यादा आ सकती हैं, मसलन जो है बरकात ज़्यादा, वो क्या है? नेकियों का अंजाम देना, हसनात का अंजाम देना, अच्छे आमाल का अंजाम देना, ये वो ज़रिया है कि जिससे इंसानी ज़िंदगी में बरकात अल्लाह की जानिब से ज़रूर आ सकती है और बरकात में उसका हिस्सा भी ज़्यादा हो सकता है। कुरान ने भी इस तरफ इशारा किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फसबिकुल खैरात, नेकियों की तरफ क्या सबकत करो, दौड़ो, जल्दी करो। गोया जो है नेकियों का भी जो है कंपटीशन है दुनिया में, जो है वो आदमी चाहता है कंपटीशन में सबको पीछे छोड़ दे, लेकिन आखिरत के मामले में क्या है, जब नेकियों की बात आती है तो पीछे रहना चाहता है, जबकि कुरान ये कहता है कि फस्तबिकुल खैरात,
नेकियों की तरफ दौड़ो, सबकत करो, आगे बढ़ो, लोगों से जो है वो क्या है आगे चले जाओ, किसमें, नेकियों में, देरी ना करो, ताखिर ना करो नेकियों को अंजाम देने में। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इंसान जब नेकियों की बात आती है, खैरात की बात आती है, नेक आमाल और जो है वो अच्छाइयों की बात आती है, तो उसके अंजाम में क्या है, इंसान कोताही करता है, तसावली करता है, सोचता है कि जो है साहब अभी करेंगे तभी करेंगे, आज करेंगे और कल करेंगे और परसों करेंगे और अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले साल करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो है वो इंसान जो है वो मादियात में मुबतला होता है, इसलिए जो है वो खैरात और हसनात की अफादियत और अहमियत को नहीं समझता है, इसलिए उसकी तरफ जल्दी नहीं करता है। तो ये बुनियादी तौर पर कुछ चीज़ें थी जिसकी तरफ हमने इशारा किया कि इनके ज़रिए से इंसान क्या है, बरकात माह मुबारक रमज़ान, बरकात आखिरत में अपना हिस्सा ज़्यादा करवा सकता है। पहली चीज़ क्या थी कि तौबा करे, दूसरी चीज़ क्या थी कि यतीम नवाजी करे, अच्छा बर्ताव करे यतीमों के साथ, तीसरा कि खैरात में हसनात में नेकियों के अंजाम देने में जल्दी करें। अगला जुमला वसहिल सबीली इला खैराते, ये भी इसी जुमले से मरबूत है। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते खुदाया हमें खैरात तक रसाई के लिए आसानियां फराहम कर, अच्छाइयों तक पहुंचने के लिए हमारी राह को आसान बना दे, बेशक बुराइयां अंजाम देने के लिए क्या है रास्ते खुलते चले जाते हैं, लेकिन अच्छाइयां अंजाम देने के लिए मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, जहमात हैं, दुश्वारियां हैं, दिक्कतें हैं, ठीक है, इब्तलाआत हैं, आदमी को जहमतें उठानी पड़ती हैं नेकियों को अंजाम देने के लिए, नेकी तक पहुंचने के लिए वो रास्ता के जो नेकी तक ले जाता है वो इंसान को बड़ी मुसीबतों में मुबतला करता है, बहुत सब्र चाहता है, बहुत जहमत तलब है, बहुत जब मुसीबत तलब ये रास्ता है। माजूम फरमाते कि वसाहिल सबीली माबूद हमारे रास्ते को आसान बना दे, कौन सा रास्ता, इला खैराते, वो रास्ता जो तेरी बारगाह में खैरात तक जाता है, नेकियों तक जाता है, हसनात तक जाता है, आमाले सालेहा तक जाता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए माबूद हमारे रास्ते को क्या आसान बना दे, सहल बना दे, इसकी जहमतों को हटा दे, दरमियान में जो मुसीबतें इन्हें हटा दे। ठीक है, ये सही मानो मदद है अल्लाह से, ताकि अल्लाह मदद करे और हम जो है वो क्या है नेकियों की तरफ कदम बढ़ा सकें और नेकियों को अंजाम दे सकें, और खुदा की मदद ना हो तो यकीनन इंसान जो क्या है हसनात और नेकियों तक भी नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? अगर अल्लाह की मदद नहीं होगी तो बेशक इंसान जो है वो नेकियों तक नहीं पहुँच सकता है। उसकी एक वजह और भी है कि शैतान जो है वो ताक में लगा हुआ कि इंसान नेकियों को अंजाम ना देने पाए। कल हमने आपकी खिदमत पर अर्ज़ किया था कि 40 साल की उम्र हो जाने के बाद जो शैतान जो है वो ऐसे इंसान की पेशानी के बोझ से लेता है, उसे प्यार करता है, उसे इजहार मोहब्बत करता है कि जिसने जो है वो नेकियां कम अंजाम दी, उसे खुश होता है। क्यों? इसलिए कि ये कामयाब नहीं हो सका है, इसलिए खुश होता है कि हम अपने मिशन में कामयाब हो गए, हमने अपने काम में जो है वो इसे पीछे कर दिया और हमने जो है वो अपने फतह हासिल कर ली, इसे जो है वो शिकस्त दे दिया, ये अच्छा ना बन सका, इसलिए वो क्या है इजहार मोहब्बत करता है, पेशानी के बोझ से लेता है, चूंकि वो हमेशा ताक में लगा हुआ कि बंदा जो है वो क्या है खैरात की तरफ ना जा पाए, हसनात की तरफ ना जा पाए, आमाले सालेह की तरफ ना जा पाए, नेकियों की तरफ ना जा पाए, भलाइयों के रास्ते पर ना जा सके, अल्लाह से करीब ना हो सके, और जो क्या है नेक आमाल को अंजाम भी ना दे सके, ताक में रहता है। ठीक है, रवायात में भी ये बातें मौजूद है कि शैतान क्या है खैरात और हसनात को क्या है मौखर करवाता है इंसान से, डिले करवाता रहता है। आपको मसलन जो है वो कल कोई काम अंजाम देना, आपने सोचा साहब जो है वो कल जाएंगे, अपने जो है वो एक रिश्तेदार हैं मसलन, वो मफलूकुल हाल हैं, गरीब हैं, बड़ा खानवादा है, आमदनी कम है, माह मुबारक रमज़ान है, खैरात करना चाहिए, अल्लाह सोचा साहब जो है वो खुदा न खासा हमारे वो अजीज़ हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है, जाएंगे दे कर आएंगे। ठीक है, रिवायत से जो है वो इख्तबास होता है, जो बातें निकल करती है वो ये कि शैतान जो है आपको क्या है वो ये समझाता रहेगा, अरे यार अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो जो है मसला मुसीबत है, अभी तो जो है वो मसला परेशानी है, अभी तो ये काम भी है वो काम भी, अच्छा चलो जाने दो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर जो है सोचता है अच्छा चलो फिर अगले हफ्ते कर लेंगे, फिर जो है शब ईद चले जाएंगे, फिर सोचता है अच्छा चलो ईद के दिन चले जाएंगे, फिर नमाज़ पढ़ के चले जाएंगे, फिर मसला समय खा के, मतलब ये काम कर रहे हो वो काम कर, फिर जो क्या है वो आखिर में खैरात के काम को, हसनात के काम को, अच्छे कामों को क्या है वो टालता रहता है, ताखिर कराता रहता है। या ये कि एक रास्ता तो ये है कि शैतान क्या करता है उसे डिले कराता रहता है इंसान के लिए,
ताखिर होती रहे होती रहे होती रहे, ताकि जब वो क्या है नेकी ना कमा सके। या दूसरा अमल यह है शैतान का कि वो उस नेकी को क्या है हल्का दिखा के आपके सामने पेश करेगा। अरे यार कौन जाए मसलन ये काम करने के लिए, है ना, कौन बड़ा काम है मसलन का, कोई और उनकी मुश्किल आसान कर दे, हम क्यों जाए मसलन ये काम करने के लिए, या मसलन हम ये काम करने क्यों जाए किसी और से करा दिए, छोटा ही तो है ना। हमसे किसी ने मदद तलब की, हमसे किसी ने कहा साहब हमारा ये काम करा दिया, हमने सोचा यार हम क्यों करा, हम तो बड़े बड़े काम कराते हैं, छोटा काम कोई भी करा देगा, किसी से भी करा दिया, तो जाहिर सी बात है कि हम इस जो है वो हमारे नेक से महरूम हो गए। तो शैतान क्या करता है, नेकियों को छोटा करके पेश करता है। इसका दोनों तरफ जो है वो क्या है, फरेब चलता रहता है। जब बुराइयों की बात आती है तब भी इंसान के जहन में बात डालता है कि ये छोटी चीज़ इसे अंजाम दे लो, ये बुराई जो है वो क्या है बहुत अहम नहीं है, इस पर बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, और जब इस पर बहुत बड़ा अजाम नहीं मिलने वाला, कर डालो छोटी गुनाह है, कर लेता आदमी। या इसी तरह का तरीके से मसलन जो है वो क्या खैरात और अच्छाइयों को भी छोटा दिखा के पेश करता है कि साहब जो छोटी है छोड़ो क्या है फिर कर लेंगे, नेकियों से दूर रह सके, बुराइयों से नज़दीक हो सके। तो कभी बुराइयों को छोटा करता है, कभी वो क्या है अच्छाइयों को छोटा कर देता है, कभी वो की सूरत में कबूल ना करे उसे अंजाम ना दे। ठीक है, हसनात को नेकियों के कमतर बना के पेश करता है ताकि इंसान उसे अंजाम ही ना दे। अगर आखिरी जुमला वला तहरिमनी कबूल हसनाते या हादियन इलल हक्किल मुबीन, खुदाया हमें राय हक की हिदायत और हसनात की कबूलियत से महरूम ना करना, हमारी जो नेकियां हैं इन्हें जो है क्या कबूल कर लेना है, इन्हें जो क्या है कबूल कर लेना है, इनकी कबूलियत से हमें महरूम ना करना, हमारी जो भी नेकियां मबूद इन्हें क्या है अपनी बारगाह में कबूल कर लेना, ऐसा ना हो कि ये कबूल ना हो हम इनकी कबूलियत से महरूम रह जाएं। दूसरे या हादियन इलल हक्किल मुबीन, ए जो है वो वाज़े और रोशन हक के रास्ते को दिखाने वाले, हमें हक और क्या है वाज़ेह रोशन जाहिर हिदायत के रास्ते को दिखा दे, और जो है वो क्या है हमारे हसनात को भी कबूल कर ले। सही है कि बस औकात इंसान को राय हिदायत नज़र नहीं आती है, मौजूद होती है जाहिर भी होती है, ये दुआ इसलिए की गई कि हमें दिखा दे मतलब उधर जो है वो हिदायत कर दे हक की तरफ, लेकिन कभी कभी हक सामने होता है लेकिन फिर भी आदमी नहीं देख पाता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो है वो हक सामने होता है मगर हम नहीं बोल पाते, नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते हैं, हक को बातिल समझ लेते हैं या बातिल को हक समझ लेते हैं, ऐसा भी होता है, बातिल को हक समझ लेते हैं, हक को बातिल समझ लेते हैं, हक होता है मगर दिखाई नहीं देता है, क्यों, इसलिए कि हम जो बाज़ दफ़ा उसे देखना ही नहीं चाहते, बाज़ दफ़ा नहीं जो वो क्या है हमें नज़र भी नहीं आता है गुनाहों की वजह से। ठीक है, मासियतों की वजह से हमें हक दिखाई नहीं देता है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए बारगाह खुदाबंदी में हम महवे सगासा हों। सभा कद्र का आगाज हो गया है हिंदुस्तान में, बिलखुसूस जो है वो हम लोगों के यहाँ जो है वो पहली शब कद्र है, बाहर मुल्कों में हो सकता है क्या, आज 20 के शब हमारे 19वीं के शब है, शब है कदर की ये पहली शब है, कहता मैं भी इस्तगासा हूँ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह को पुकारें उससे इस्तगासा करें उससे मदद तलब करें उससे दुआ करें कि महबूब तू जो है वो राय हक और राय हिदायत हमें दिखाता रहे, हमारी जो भी जो है वो नेकियाँ हैं अच्छाइयाँ हैं आमाल खैर हैं सालेह आमाल हैं इन सबको क्या है कबूल कर लें। ठीक है, और इन हसनात और जो है वो क्या है आमाल खैर के कबूलियत के साथ साथ जो है वो हमें माबूद जो है वो राह हक व हिदायत भी दिखाता रहे। बस मेरे से गुफ्तगू तमाम हो गई, आइए इन्हीं कलमात के साथ आज फिर खुदा हाफिजी करते हैं कि माबूद मासूमिन अलैहि सलातो वसलाम के इन्हीं कलमात का वास्ता है कि हमारी दुआओं को कबूल फरमा, परवरदिगार माह मुबारक रमज़ान है, हमारी इबादतें नमाजें तिलावत
मुनाजात इस्तगासे तस्बीह इस्तगफार सब मेरे महबूद अपनी बारगाह में शरफ़ कबूल इनायत फरमा। महबूद जो लोग भी परेशान को परेशान से दूर फरमा, जो लोग हज ज़ियारात के मुश्ताक हैं उनको जो ज़ियारात से मुशर्रफ़ फरमा, उलमाए आलाम मराज कराम की मुहाफ़ज़त फरमा, उतबात अलियात रोज़ात मुक़द्दसात को महफूज़ फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंदी फरमा, परचम कुफ्र शिर्क व निफ़ाक़ को नाबूद फरमा। महबूद हमारी ये सबसे बड़ी दुआ इस वक्त है कि जिस मरज़ मूज़ी में मरज़ मोहलिक में सब मुबतला हैं हम लोग जो है वो इस वक्त इसकी इज़्ज़त पे महबूद हम सबको महफूज फरमा, जो लोग इसकी इज़्ज़त में आ चुके हैं महबूद उनको शफा कामला और आजिल इनायत फरमा, हमारे मरहूमिन की मग़फ़रत फरमा, जिन लोगों ने दुआ के लिए इल्तिमास किया मेरे अल्लाह शब कदर का वास्ता है, अज़मत व जलालत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वास्ता है कि सबके दुआओं को कबूल फरमा। महबूद हमारे अमल को कबूल फरमा, जो लोग इन बातों को सुन रहे हैं उनकी दुआओं को कबूल फरमा मेरे अल्लाह, जो लोग इस कार खैर में मदद कर रहे हैं इसे लाइव चला रहे हैं यानी जौनपुर आजा की टीम को उनके सारे अफराद को उनकी टीम के मेंबर्स को मेरे अल्लाह सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा, इनके सारे अमल को कबूल फरमा। महबूद हमारे ज़माने के इमाम हमारे साहब वली नेमत हमारे मौला वरा का अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके मुखलिस आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।